गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि 14600 का जो कॉल है जिसको हमने बाय किया था 168 पे, 168.30 के आसपास, जो एक्चुअली हमने बाय के लिए जो रखा था वो रखा था 143 के आसपास, लेकिन वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज ओपन हुआ था 143.90 पे, फिर लो हुआ 136 का, तो उस टाइम पे ऑर्डर मॉडिफाई नहीं हुआ और प्राइस ऊपर की ऊपर बढ़ती गई और हमने जो एंट्री की थी वो 168.30 पे की और 174.80 पे हमने अपना टारगेट बुक किया। हालांकि हमने अपना टारगेट 10 पॉइंट का रखा था 178 का, जो भी अबाउट टू अचीव है। ये देखिए अभी इसने अपना हाई बना लिया 178.40 का और अभी इसमें 189 तक प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है ये गैप फिलिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में स्कैल्प ट्रेडिंग में बस इतना ही कि कभी भी अगर आप एंट्री करते हो तो हमने ये पोजीशन और ये स्ट्राइक प्राइस क्यों सिलेक्ट की थी उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार निफ्टी में आपको। निफ्टी आज ओपन हुआ था 14710 के आसपास और गैप अप ओपनिंग होने की वजह से आप क्लियरली देख सकते हो। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये एक जो चैनल था उसके सपोर्ट के पास आने के बाद वो कंटिन्यूस हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा था और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था जो कि था 14694 के आसपास, जो कि 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वहाँ से ऊपर की ओर 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आ रहा है 14796 के आसपास, तो वहाँ पर निफ्टी अभी टच करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीच में आप देख सकते हो कि ये जो एक लेवल है वो है 14777, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है अगर निफ्टी में बायर ज़्यादा नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा यहाँ से ऊपर, पर्टिकुलरली जो भी ट्रेड लगेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा। MFSL में भी अगर आप देखें तो इसने अपना हाई बनाया है 898 का और हमारा टारगेट जो है वो 899 का है और बाय अबव लेवल जो है वो 892 का है। टाटा स्टील और दीपक नाइट्राइट ये दोनों भी हमारे आज के स्टॉक है जिसमें बाय अबव और सेल बिलो के जो भी लेवल है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद चार्ट्स, आज का जो ब्लॉग है उसमें हमने ये 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। टाटा स्टील में 976 से 984 के जो लेवल है पर अभी चल रहा है 967, मतलब कि हमारा फर्स्ट टारगेट सेल बिलो का जो है वो टर्न हो चुका है। और अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखा देता हूँ। निफ्टी मेटल आज नेगेटिव है 1% के आसपास, इसीलिए टाटा स्टील में भी ओपन इज इक्वल टू हाई की कंडीशन होगी या ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली उसका जो हाई है वो है 986 का, ओपन हुआ था 985 पे और नीचे की ओर 967 का इसने लो बनाया है और अभी उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो नीचे की ओर यहाँ पर 955 तक एक रिट्रेसमेंट हमें दिख सकता है जहाँ पर एक सपोर्ट है, तो 955 के आसपास अगर नहीं रुकता है तो नीचे की ओर 942 तक के लेवल हमें टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 961, 953 और 946 हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं टाटा स्टील के लिए। और बात करते करते ही उसने अपना जो लो है वो नीचे की ओर तोड़ने की ट्राई कर रहा है 967 का। तब तक हम बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट में। दीपक नाइट्राइट में बाय अबव और सेल बिलो के जो लेवल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1785 से 1774, मतलब 1775 टू 1785, 10 पॉइंट का रेंज है और अभी चल रहा है 1816, मतलब कि हमारे 3 टारगेट अचीव हो चुके हैं बाय अबव लेवल में दीपक नाइट्राइट में और हमारा चौथा टारगेट है 1826। तो लेट्स सी
इसने अपना हाई कितना बनाया है, इसने अपना हाई बना दिया है 1830 का, तो हमारे चारों टारगेट डन हो चुके हैं बाय अबो लेवल के लिए। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि किस तरह से इसमें ट्रेडिंग होती है। इसने अपना लो बनाया था 1801 का, तो हमारा जो बाय अबो लेवल है उसी के ऊपर, मतलब कि हमारे दूसरे टारगेट से पहले ही ओपनिंग हुई और 1830 तक, मतलब समझ लीजिए कि 30 पॉइंट का मोमेंटम था। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं 1805 से 1826, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास हमें दीपक नाइट्राइट में मिल चुका है, और टाटा स्टील में भी हमारा एक टारगेट डन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इसने अपना लो बनाया है 967 का, और MFSL में भी थोड़ा बुलिश कैंडल दिख रहा है। तो लेट्स सी कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 899 का टारगेट डन करता है या नहीं। निफ्टी हालांकि हायर हाई बनाता हुआ अभी करंटली, इसमें आप देख सकते हो इसने 181-182 का हाई बनाया है, 14600 का कॉल, 186 के आसपास इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। हमने जो एंट्री की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 168 पे एंट्री की थी और अभी हाई बना है 185.20 का, अभी ट्रेड कर रहा है 178 पे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपडेट करता रहूँगा कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स के लेवल है वो किस तरह से अचीव हुए हैं या नहीं। सो लेट्स सी, इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसने अपनी 5वीं मिनट में ही अपना टारगेट डन कर दिया था। सो बहुत ही शानदार और बेहतरीन अप ट्रेंड में स्टॉक होने की वजह से हमारे बाय अबो के जो भी लेवल है वो अचीव हो चुके थे दीपक नाइट्राइट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यूट्यूब में नए हैं और मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग है उसमें भी हमने एक लिंक दी हुई है यहाँ पर, जहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ताकि आपको जो भी स्टॉक्स है उसके अलग अलग लेवल्स और स्टॉक में क्या मोमेंटम है वो हम यहाँ पर हर रोज़ सिखाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइस एक्शन का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वीकेंड बैचेस रहती है, जिनके पास टाइम नहीं रहता है उनके लिए 2 दिन का हम कोर्स करते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली पूरे 2 दिन में 6-6 घंटे के 2 सेशन रहते हैं, और उसमें आप पर्टिकुलरली सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।